नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एटीएम कार्ड को कैसे ट्रैक करते हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने किसी एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया था आपने किसी भी बैंक से, आप उसे कैसे पता कर सकते हैं वो कहां तक पहुंचा है और आपके एड्रेस पर कब तक पहुँचेगा वो एटीएम कार्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने अपना एटीएम कार्ड के लिए आप बैंक जाके अपना एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे या आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे, अप्लाई करने के बाद लगभग 10 दिन के अंदर, यानी आप अप्लाई किए होंगे, अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक मैसेज रिसीव होता है, यानी आपको एक मैसेज भी मिल जाता है एसबीआई की तरफ से। अगर आप जो भी बैंक होगा, जैसे मेरे यहाँ पे एसबीआई बैंक है, तो मुझे एक मैसेज मिला गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिला है जो कि मेरा एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे योर एसबीआई डेबिट कार्ड एंडिंग विथ 6345, यानी आपका यहाँ पे आपका जो एटीएम कार्ड है आपका लास्ट फोर डिजिट भी आपको यहाँ पे देखने को जाएगा इस मैसेज में। और यहां पे आप देखेंगे डिस्पैचेस ऑन इतना डेट भी दिया हुआ, उसके बाद देखेंगे यहां पे थ्रू स्पीड पोस्ट नंबर, यानी आपको यहां पे स्पीड पोस्ट नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरह से एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। जो भी बैंक होगा आपका, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा, जो भी बैंक होगा आपके बैंक के थ्रू आपको एक मैसेज मिलेगा। यहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं या ऑफलाइन बैंक जाके अप्लाई किए हैं, उससे कोई मैटर नहीं रखता है, आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरह से एक मैसेज मिलेगा। उसी मैसेज में आपको यहां पे एक रेफरेंस नंबर होगा, यानी आपको ट्रैकिंग का नंबर मिलता है। यहां पे आप देखेंगे जो कि मेरा यहां पे लिया हुआ है स्पीड पोस्ट नंबर इतना। कभी कभी क्या होता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं आता आपका एटीएम कार्ड, बाइक कुरियर ब्लू डॉट के थ्रू आता है। तो यहां पे ब्लू डॉट में आएगा तो यहां पे लिखा हुआ रहेगा क्या गाइज, यहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा AWM लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है। यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू आ रहा है मेरा एटीएम कार्ड, तो यहाँ पे मुझे देख सकते हैं स्पीड पोस्ट नंबर इतना, यानी इस स्पीड पोस्ट ये नंबर को क्या करना है, सिंपली गाइज आपको अपना कॉपी में लिख लेना है। इसी नंबर से आप अपना ट्रैक करेंगे आपका एटीएम कार्ड अभी तक कहाँ है और कब तक आएगा। तो इस तरह से आपको मैसेज मिल जाएगा, अपना मैसेज चेक कर लेंगे, आपको इसी तरह के मैसेज मिलेगा, आपका एटीएम कार्ड अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरह से मैसेज मिल जाएगा। इसी मैसेज से अपना ट्रैक करेंगे आपका एटीएम कार्ड अभी कहाँ पहुँचा है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद गाइस क्या करना, आपको सिंपली मैं यहां पे आपको यहां पे करके दिखाता हूं ट्रैक। उसके बाद क्या करना, सिंपली आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना, आपको यहां पे सर्च बार में टाइप करना है। यहां पे आपको टाइप करना स्पीड पोस्ट लिख के क्या करना, सिंपली सर्च कर। जैसे आप यहां पे स्पीड पोस्ट लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको सबसे ऊपर में देखने मिल जाएगा इंडिया पोस्ट। बस क्या करना, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहां पे आपको देखने मिलेगा इंडिया पोस्ट, बस क्या करना है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पे डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो। यहां पे आने के बाद आपको जो भी मैसेज में रिसीव हुआ होगा, आपका ट्रैकिंग नंबर, जो भी आप पोस्ट नंबर बोल सकते हैं, पोस्ट नंबर या ब्लू डॉट नंबर बोल सकते हैं, उस नंबर को क्या करेंगे, सिंपली यहां पे आपको फिलअप करना है इस बॉक्स में। तो चलिए मैं यहां पे अपना नंबर को फिलअप कर लेता हूं। यहाँ पे अपना नंबर को सही फिलअप करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कैप्चा। यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको सही फिलअप करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको कैप्चा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा कैप्चा है 7+3 तो इक्वल, यानी आपको 7 और यहाँ पे 3 को क्या करना, ऐड कर देना, यानी जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे आपका प्लस आता है तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे, अगर आपको यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे माइनस आता तो माइनस करके यहाँ पे लिखना है। तो अगर यहाँ पे कैप्चा में समझ में नहीं आता तो यहाँ पे रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, बस क्या रिफ्रेश में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैप्चा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मेरा कैप्चा यहां पे चेंज हो चुका है, यहां पे जोड़ने का जो कि ऐड करने का यहां पे सिस्टम खत्म हो चुका है, यहां पे मेरा यहां पे कैप्चा बदल चुका है। तो यहां पे क्या करेंगे, अपना कैप्चा को सही फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहां पे अपना कैप्चा को सही फिलअप कर देता हूं। यहां पे अपना कैप्चा को सही फिलअप करने के बाद देन यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा सर्च, बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सर्च में क्लिक करना है। जैसे सर्च में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे देख सकते हैं मेरा यहां पे कैप्चा यहां पे नहीं लिया, तो यहां पे मेरा दूसरा कैप्चा आ चुका है 4+8 यानी इक्वल, यानी 4+8 यहां पे 12 हो गया। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, सर्च में आपको फिर से दोबारा क्लिक करना। सर्च में जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पे कुछ सेकंड वेट करना है, पे लोडिंग ले रहा है, आप यहां पे घबराना नहीं है, आपको कुछ सेकंड आपको यहां पे वेट करना है। यहां पे देखेंगे यहां पे लोडिंग ले रहा है, यहां पे अपना नंबर और यहां पे अपना कैप्चा को सही फिलअप करना है। तो यहां पे लोडिंग ले रहा है, मैं यहां पे कुछ सेकंड यहां पे वेट कर लेता हूं। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा गाइस, यहां पे आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आप यहां पे स्क्रॉल डाउन करके आपको सीधे नीचे आ जाना है। जैसे आप यहां पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां से आपको यहां पे देखना है, नीचे से यहां पे आप देखेंगे जो कि मेरा यहां पे एटीएम कार्ड जो कि मेरा बुक हुआ है, लगभग यहां पे नोएडा से मेरा यहां पे एटीएम कार्ड आ रहा है नोएडा। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ रहेगा आइटम बुक्ड, उसके बाद यहां पे आपको स्क्रॉल करते जाना है, यानी आपका एटीएम कार्ड अब तक कहां तक कितना बजे कितना टाइम में पहुंचा है सारा कुछ यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखेंगे मेरा जो एटीएम कार्ड है
नोएडा से मेरा आया, यहाँ पे नोएडा आया, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली आया, उसके बाद इसी तरह बरौनी पहुँचा, बरौनी से यहाँ पे आया, इसी तरह कर करके आप यहाँ पे एटीएम कार्ड कहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पे आप ऊपर करके आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा इवेंट डिटेल्स फॉर यहाँ पे करेंट आइटम, यानी आपका यहाँ पे आइटम जो है यानी आपका एटीएम कार्ड है यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे आपको करेंट लोकेशन देखने मिल जाएगा, आपके यहाँ पे कितना तारीख को कितना बजे कहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे एटीएम कार्ड है अभी तक मेरे घर पर नहीं आया, यहाँ पे देखेंगे मेरा यहाँ पे अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा एटीएम कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डिस्पेच जो आइटम यहाँ पे कटिहार नाम से, यहाँ पे कटिहार कोई डिस्ट्रिक्ट है यानी उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा यहाँ पे एटीएम कार्ड है, मेरा जो यहाँ पे एटीएम कार्ड है मेरा अब तक मेरे घर तक यानी मेरे पोस्ट ऑफिस तक नहीं पहुँचा, तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका एटीएम कार्ड अभी कहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आप यहाँ पे अप्लाई किए होंगे आपका अप्लाई डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जब भी आप यहाँ पे एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे यहाँ पे आपका डेट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका इंडिया पोस्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे जो भी लोकेशन होगा आपका एटीएम कार्ड पहुंचने का वो लोकेशन आपको यहाँ पे ऊपर देखने मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से अपना एटीएम कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं आपका एटीएम कहाँ और कब तक आपके घर तक पहुंचे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।